Zigzag is not an item of motor fitness test. Medicine ball put test is for what? Medicine ball put test is for what? किसके लिए होता है medicine ball वाला? You tell me. Yes. क्या कल बताया था medicine ball के बारे में? What is it? क्या होता है medicine ball बेटा? क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं? मेडिसिन बॉल टेस्ट जो होता है, मेडिसिन बॉल पुट टेस्ट जो होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं? नो आंसर एट ऑल. दैट इंक्लूड्स द स्ट्रेंथ, पावर, एजिलिटी, balance, speed. तो क्या आंसर होगा? What will be the answer? All of the above. Palak, what happened to you? To measure the lower body strength of senior citizen, उनके लिए कौन सा test होता है? To check or to measure the lower body strength, उसके लिए कौन सा होता है टेस्ट? Senior citizen. That is for the endurance. Lower body strength किससे काउंट करोगे? No answer at all. सबसे पहला टेस्ट कौन सा करवाया था? चेयर सिटिंग टेस्ट. चेयर सिट एंड स्टैंड जो टेस्ट है वो किस लिए है? चेयर स्टैंड टेस्ट जो है वो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए है. आर्म कर्ल टेस्ट किसके लिए है? किसके लिए आर्म कर्ल? हाँ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए बाजू वाला है, और खड़े होने वाला जो है वो कहां पे जोर देता है? टांगों में देता है, इसलिए लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को हम चेक करते हैं. बैरो आइटम जनरल मोटर टेस्ट एबिलिटी कंसिस्ट ऑफ व्हाट? हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन अ बैरो? कितने आइटम हैं और कौन से को कहते हैं बैरो टेस्ट? किसको बोलते हैं? बैरो जनरल मोटर टेस्ट बोल रहे हो तो इसका मतलब जनरल मोटर टेस्ट को ही बैरो टेस्ट करते हैं. इसमें कितने आइटम्स होते हैं? हाउ मेनी आइटम्स आर देयर? थ्री आइटम्स. कितने आइटम्स हैं? थ्री हैं. कौन कौन से हैं? स्टैंडिंग बोर्ड टेस्ट है, जिगजैग टेस्ट है और मेडिसिन बॉल है. स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, जिगजैग है और मेडिसिन बॉल, ये तीन जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट के हैं जिसे बैरो भी कहते हैं. ठीक है, next question was there. The test duration for the Harvard fitness test is, Harvard fitness test ke kitne minute ki hota hai? Kuch nahi, kitne minute da hai? 5 minute da. That is of 5 minutes. Next question was, see, citizen fitness test was developed by which university? Which university? Payal, you tell me. और कल मैंने यहां पर यूनिवर्सिटीज के नेम भी लिखे थे और आपको बताया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया था. Fullerton, FULLERTON. Fullerton. Next question, the process in which tools and techniques are used in the collection of data, what is that? जिसमें data collection होती है, just in measure की, उसे क्या कहते हैं? Test बेटा.
Where is Palakdhal? Give me the answer. Which is not an item of Rickley and John's test? कौन सा ऐसा है जो रिकली और जॉन, ये कौन से टेस्ट को बोलते हैं? रिकली एंड जॉन्स, आप बताओ, यू टेल मी, कौन सा टेस्ट है जिसको हम रिकली एंड जॉन्स के नाम से जानते हैं? अभी कल ही बताया था और स्पेशल बोला था, 10 4 बार बोलती हूँ एक बात को मैं, आई एम इन अ हैबिट ऑफ रिपीटिंग द सेम थिंग 4 times सो दैट चाइल्ड कैन लिसन इट केयरफुली. सीनियर सिटीजन टेस्ट, यहाँ लिखा था ना, जेसी जॉन्स और रॉबर्ट रिकली. सिट एंड रीच टेस्ट जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए नहीं बना है बेटा, ठीक है ना बेटा, ओल्ड एज में उनके लिए है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर द टेस्टिंग द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, वट इज द हाइट ऑफ अ बॉक्स यूज बाय बॉयज इन हार्वर्ड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट? कितने उसका होना चाहिए बॉयज के लिए इंचेस का? है 20 इंचेस का, और गर्ल्स के लिए कितना होना चाहिए बेटा? 16. ठीक है बेटा, गुड. स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक कैन बी डिस्क्राइब एज ए, क्या चीज होगी वो? हाँ शाबाश, बोलो. फिजिक्स ऑफ स्पोर्ट्स, कल बताया था ना, फिजिक्स के फॉर्मूले पे ही बेस्ड है सारा का सारा. वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, आउटपुट क्या है? व्हेन द एंगल बिटवीन द टू बोन्स डिक्रीजेस, इट इज टर्म एज, बोन्स के बीच में, अब ध्यान देना, मिड लाइन से नहीं बोला है, बोन्स से बोला है, तो क्या आंसर होगा? When the angle of two bones decreases, उसको क्या बोलते हैं? हैंड है, इसको ऐसे किया, ये एक्सटेंशन है, ये क्या होगा? फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, ठीक है ना? इसमें क्या है? डिक्रीज हो गया, स्ट्रेट करेंगे एक्सटेंड हो जाएगा, इंक्रीज हो गया एंगल, ये कल करवाया तो था, तो मजा नहीं है ना, जो मर्जी करा लो, अपा बहुता ध्यान नहीं देना ना पढ़ना. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, इट इज डिफिकल्ट टू वर्क ऑन ए वेट फ्लोर, फ्रिक्शन का है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वर्क ऑन ए वेट फ्लोर? फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? गुड, हाँ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? है हाँ, लेस या डिक्रीज, गुड. फ्रिक्शन जो है कम होने के कारण हम स्लिप कर जाते हैं ना, तकरीबन वेट, तभी बोलते हैं ना, जब गीली जगह होती है जरा ध्यान से चलो या संभल के या किसी चीज को पकड़ लो, द चांसेस ऑफ फॉलिंग डाउन इज मोर लिटिल या लेस फ्रिक्शन, ठीक है, गुड. द टर्म फ्लेक्शन रेफर्स टू, बेंडिंग, बेंड कर गया ना, गले का बेंड कर गया है, ठीक है. ब्रिंगिंग क्लोजर टू द रेफरेंस एक्सिस इज कॉल्ड, बॉडी का एक्स मिडलाइन है, उसके पास किसी चीज का लाना, उसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? दूर है तो क्या कहेंगे? पास है तो क्या कहेंगे? मिडलाइन के, मिडलाइन के पास आएगी तो चीज ऐड हो जाएगी, तुम्हें समझाने का तरीका बताया था ना, एडक्शन बोलते हैं उसको, मिड लाइन से अवे हो जाएगी तो एब्डक्शन हो जाएगी, जब दूर होती है तब एब्डक्शन है, जब क्लोज आती है ऐड हो जाती है, इसका मतलब एडक्शन. सिंपल याद कर लो ना, अपनी भाषा में, जरूरी नहीं है कि उसे कई बार नहीं माइंड में आता, ऐड कब होता है? जब एक और एक मिलके होता है, जब इट इज कमिंग नियरर टू द इमेजिनरी मिड लाइन और एक्सिस, दैट इज एडक्शन, व्हेन इट इज गोइंग अवे फ्रॉम दैट, दैट इज एब्डक्शन. The next question, among the following sports in which friction play the least important role? Car race में है, football में है, ice skating में है या hockey में है? Ice skating में, ठीक है? Yes. Friction can be increased by, कैसे increase किया जा सकता है friction को? Friction कैसे easily होता है?
कौन सी जगह पे फ्रिक्शन जो है ज्यादा होता है, कौन सी सरफेस ज्यादा होता है, कैसे किया जा सकता, कौन सी जगह पे फ्रिक्शन ज्यादा होगी, उसके आंसर्स यूजिंग एयर कुशन, यूजिंग सैंड, लुब्रिकेंट्स और यूजिंग बॉल बेयरिंग, किस पे ज्यादा होगा? सैंड पे ही होगा क्योंकि वो कोर्स है, दैट इज नॉट अ स्मूथ प्लेस, वहां पर पकड़ ज्यादा होगी ना, रेत में पकड़ ज्यादा होगी, तो इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है ना, फ्रिक्शन इंक्रीज वहीं पे होगी। लुब्रिकेंट प्लेस का मतलब है चिकनी जगह पे स्लिप कर जाएगा, वेट प्लेस पे करेगा, और उसके बाद उसने कौन सा आंसर दिया उसका, लेट मी सी, देन बॉल बेयरिंग, इसमें लगे होते हैं ना छोटी छोटी गोलियां, जैसे बॉल बेयरिंग स्मूथ रोलिंग के लिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट, समझाए थे, शुड आई रब दिस, डोंट गो फॉर द डायग्राम, ठीक है, उसने क्या पूछा है, इसमें तीन प्लेन्स होते हैं ना हमारे, ठीक है, थ्री प्लेन्स आर देयर, ठीक है, एक होता है मिडलाइन का, दिस वे लेफ्ट राइट, ठीक है, ये क्या है, इसको फ्रंटल बोलते हैं, ठीक है, एक हम क्या करते हैं, ये कैसे है, इस तरीके से है, एक होता है हाफ हाफ, फ्रंट हाफ बैक हाफ, एक होता है हॉरिजॉन्टल हमारा इस तरीके से, ठीक है, थ्री फेसेस में हम करते हैं, समझ में आ गया, थ्री फेसेस में हमारा होता है, जो हमारा इस तरीके से होता है, ये राइट एंड लेफ्ट है, इसको हम, मैंने फ्रंटल बोल दिया, जबकि इसको सेजिटल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेजिटल, जब हमारा फ्रंट और बैक होता है उसको फ्रंटल बोलते हैं, बीच में से इस तरीके से अगर हाफ किया जाए तो वो क्या है, आगे का पार्ट और पीछे का ना, फ्रंट और इन बैक, दैट इज फ्रंटल, ठीक है, ये लेफ्ट एंड राइट जो है वो सेजिटल है, साइड्स बोलो, ऐसे साइड्स, ऐसे सेजिटल, इजी रहेगा याद करना, हाँ ऐसे जब हम ऐसे वाला करते हैं कट, वो क्या होता है हमारा, इस साइड लेफ्ट है, इस साइड मेरा राइट है, ठीक है ना, उसे हम सेजिटल बोलेंगे, जब हम इस तरीके से लंबाई में लाएंगे तो आधा पोर्शन इधर आधा बैक पे हो गया, दैट इज व्हाट, दैट इज अ फ्रंटल, फ्रंट एंड बैक हमने उससे बना लिया, ऐसे नहीं है, जस्ट टू रिमाइंड दिस, याद करने के, रिमेंबर करने के लिए, और एक होता है ट्रांसवर्स, जब हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट है लोअर पार्ट इससे, ट्रांसवर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, तीन प्लेन होते हैं, ठीक है, कितने प्लेन्स है, तीन प्लेन्स है, पहला कौन सा है, जिसमें लेफ्ट एंड राइट साइड होती हैं, उन्हें हम फ्रंटल पार्ट कहते हैं, ठीक है, जो सॉरी सेजिटल इसको बोलते हैं, जिसमें हम आगे और पीछे का करते हैं उसे फ्रंटल बोलते हैं, और जिसमें डाउन एब्डोमेन से नीचे का, लेग से नीचे का पार्ट या अपर पार्ट है उसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं, याद हो गया बेटे, ये देखो दिस इज द, अब समझ में आ गया कैसे हाफ करना है, बॉडी को हमने कैसे हाफ कर देंगे, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन में माना जाता है कि इस तरीके से ये किया जाता है। अब इसी में अगर हम देखें, जैसे हम एडक्शन का कर रहे थे, ठीक है, ये आर्म्स है, ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, अगर ये बाजू क्लोज आ गई यानी कि ऐड हो गई इस लाइन से, ये दूर चला गया, एडक्शन हो गई, एबडक्शन हो गई, ठीक है, ए बी डी, ए डी डी जब क्लोज आ गई, ए बी डी जब दूर चली गई, ठीक है, इतना याद हो गया, यह समझ में आ गया। अब इसी का जॉइंट्स पर है, हमारी जो जॉइंट्स है, यहाँ की है, यहाँ की है, नेक की है,
बॉडी के यहां से है, ये क्या है, स्ट्रेट खड़े हैं, एक्सटेंडेड पार्ट में है। लेग्स का ही देख लो, जैसे लेग स्ट्रेट है, एक्सटेंशन में है, इसे ऐसे करूंगी, क्लोज आ गया ना, ये फ्लेक्सन होगा, सीधा हुआ, एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है, फ्लेक्सन है, फ्लेक्सन, FLEXION, पास में आ गया ना बेटा, फ्लेक्सन हो गया, स्ट्रेट कर दिया, 180 डिग्री का बन गया ना ये, सीधा हो गया, एक्सटेंड हो गया ना, ठीक है, क्लोज, एक्सटेंड, एक्सटेंड का अपोजिट अपने आप समझ लेना, अगर जॉइंट को सीधा कर दिया हमने तो वो हमारा, अब ये क्लियर हो गई बेटे, इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि आपकी क्या है। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट को सिंसियरली दो, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन पेपर्स हैं आपके। ओके, एसर्शन क्वेश्चन है, एसर्शन और रीजनिंग क्या होती है पहले ये बताओ, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस, बिकॉज इन ऑल द सब्जेक्ट्स दिस आर गोइंग ऑन, सारे सब्जेक्ट्स में एसर्शन वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको रीजनिंग के, और उसको कैसे किया जाता है, उसमें होता है एसर्शन में जो लाइन या सेंटेंस या टॉपिक दिया है, जो रीजनिंग है क्या दैट इज रिलेटेड टू दैट, क्या उससे संबंधित है वो, उसको जस्टिफाई कर रही है पहली लाइन को या नहीं, दोनों लाइंस अपनी अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, लेकिन क्या रीजनिंग वाली लाइन असर्शन वाली लाइन को कर रही है फॉलो या उसका उसे यस कर रही है, तो हम तब लिखेंगे कि बोथ आर करेक्ट एंड रीजनिंग इज गिवन अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग असर्शन, ठीक है, अगर नहीं है तो रॉन्ग कर दो। मान लो एक मैं कर देती हूँ तुम्हारे नाम पे कर लेते हैं, क्रिश इज अ बॉय, ही इज अ हेल्दी बॉय, ही डू वर्कआउट जिमनास्टिक एंड ऑल, ठीक है, अब क्या है तुम्हारे बारे में, तुम एक हेल्दी भी हो और एक्टिव भी हो, तो तुम जिमनास्टिक या कुछ कर रहे हो तो ऑब्वियसली मेल खा रहा है ना दूसरे वाला उसके साथ आंसर। अगर मैं लिख दूं कि ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, और उसके साथ अगर मैं लिख देते हैं रमेश इज अ गुड बॉय, दोनों सेंटेंस तो करेक्ट है, लेकिन इन एक दोनों का मेल नहीं ना, दे बोथ आर करेक्ट बट रीजनिंग सेकंड वाला जो है वो ए का कॉम्बिनेशन नहीं है या उसके साथ मेल नहीं खा रहा, ए वहां पर लिखा आते हैं ना, चार ऑप्शन है, ए इज ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज जो आर वाला वर्ड है वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, वो अपनी बात कह रहा, उसकी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है उसके साथ, ठीक है, ये होते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हें असर्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे था अ क्वेश्चन वाज देयर रिगार्डिंग इसका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स द यूज ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है वी नो फॉर सीइंग द डेवलपमेंट, कितनी प्रोग्रेस हुई है इवेल्युएट करते हैं, हमें पता चलता है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को पर्टिकुलर गेम में या किसी में रखते हैं। अब ये असर्शन था, अब रीजनिंग क्या उसने दिया इसकी, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फिटनेस स्किल्स एबिलिटी एंड नॉलेज कैन बी मेजर, टेस्ट मेजर भी है, ये दोनों करेक्ट एक दूसरे के पूरे, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक और, एक्सप्लोसिव एनर्जी क्या होती है बेटा, बायोमैकेनिक एग्जामिन द हाउ द ह्यूमन बॉडी मूव्स एंड इट डज, बायोमैकेनिक का मतलब यही है ना हमारा, बायो मीन्स लिविंग थिंग, मैकेनिक मीन्स द मूवमेंट द फोर्स इफेक्ट ऑन द उस पे लाइफ में, ठीक है ना, ये है बायोमैकेनिक का मतलब उसने बोला है, और रीजनिंग में दिया है कि बायोमैकेनिक हेल्प टू नो अबाउट द करेक्ट मूवमेंट एंड हेल्प इन अ बेटर परफॉर्मेंस, उसी के साथ मिलता जुलता है, इसलिए ए और आर जो है वो दोनों करेक्ट है और आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। अब समझ में आ गई असर्शन वाले क्वेश्चन किनको कहते हैं, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इज लेट मी वेट, one more thing is there.